तो फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं आप सबका फेवरेट चैलेंज क्या है। वैसे तो आपने टाइटल से समझ ही लिया होगा, वो है 3 मार्कर चैलेंज। ये इतना इजी नहीं होने वाला है। आपको मिलेगा एक रूम और उसमें से 3 मार्कर सबको ढूंढने पड़ेंगे। तो हम लोगों को एक रूम मिलेगा और हम लोगों को जल्दी से 3 मार्कर उसमें अपने चूज करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। और इस चैलेंज में इतना ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ड्राइंग तो मेरी अच्छी बनने वाली है। अच्छा तो चलो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। मुझे मिल रहा है यार, मुझे क्या सही रहा है। मैंने कहा मेरे इस ड्रॉर में डोंट मेरा तो काम हो गया फ्रेंड्स। कहां है मिल गए शाबाश। पापा का कमाल है, पापा कैसी जगह पे कलर बटन के ऊपर भी। तो फ्रेंड्स हमें अपने कलर्स मिल गए हैं और चलो जल्दी से ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फाइनली सब लोगों ने अपने कलर ढूंढ लिए हैं। थैंक यू पापा, मुझे बड़े अच्छे कलर मिले हैं। लेकिन मैंने तो सोचा था कि जो तुम्हारे पास कलर है वो जिनी को मिले, लेकिन जिनी की थोड़ा बैड लक चला, उसको पता नहीं कैसे कलर मिले। बस ये थोड़ा सा फ्रेंड्स ये देखो, मैंने डार्क कलर दे दिए, पर्पल, ब्लू, ब्राउन। चलो एक काम करते हैं सुनो, इस गेम में ना ट्विस्ट लेके आते हैं। मगर क्यों? अगर जिनी कोई भी अपना एक कलर रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं 10 सेकंड दूंगा उसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इनका वो भी गेम खत्म हो गया है। क्योंकि मैं इस चीज को और भी चीजों में यूज कर सकती हूँ। बहुत तेज हो रहा है। और फ्रेंड्स देखो मेरे पास तो ऑलरेडी इतने सुंदर कलर आए, लेकिन मुझे ब्राउन और ब्लैक वाले ज्यादा तो मजा आ जाता। मुझे बस इसकी जगह ब्राउन। अरे कलर के साथ साथ शीट भी तो दिखा दो फ्रेंड्स को। अरे तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी कर लो। कितनी देर आ रही है? 40 सेकंड बचे हैं बस। मेरा बहुत प्रैक्टिकल है। पता है क्यों? तो प्रैक्टिकल है। ये डबल फैटी है। मैं ट्रिपल फैटी हूं। तुम ट्रिपल फैटी हो। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मजाक तो देखो उसी का उड़ता है ना जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। डन भी होने वाला है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। मेरा बस एक कलर है। दिखाओ अपने। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट राउंड में कौन विनर है। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है ना, मुझे तो मेरे हिसाब से तो जो बेस्ट है वो ध्वनि का है, क्योंकि उसके जो कलर्स हैं वो ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं मुझे। मेरा बहुत अच्छा होता पर ये कंप्लीट होता इस राउंड के जज। लेकिन आप लोग क्योंकि आप कमेंट करके बताओ किसकी ड्राइंग सबसे बेस्ट है। फ्रेंड्स आप मेरे लिए वोट करना। फ्रेंड्स आपकी फेवरेट तो एशना आंटी है ना, तो अब एशना आंटी के लिए वोट करना। मैं हूँ सबसे छोटी पूरी और मेरी ड्राइंग पापा भी कह रहे कि मेरी ड्राइंग सबसे बेस्ट लगी है तो मैंने वोट करना। सबसे छोटी ये तो वोटिंग का सेशन कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट राउंड पे मूव करें। तो यहाँ पे आ गई हमारी नेक्स्ट शीट, यम्मी यम्मी समर वाली आइसक्रीम। पर हमारी शीट तो आ गई पापा कलर। देखो पिछले राउंड में मैंने कलर छुपा दिए थे और तुमने ढूंढ लिए थे। इस राउंड में कुछ होगा डिफरेंट। तुम तीनों पहले अपनी आईज क्लोज कर लो, आईज क्लोज करो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ठीक है, अब मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे कलर्स। मैंने रख दिया कलर्स। अब सबसे पहले ध्वनि तीन कलर चूज करेगी इनमें से आईज क्लोज करके। आईज क्लोज है ध्वनि, हाथ और राइट करो, राइट करो, राइट, हाँ हाँ, अब कोई राइट 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 राइट। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, नीचे करो, नीचे, राइट राइट राइट, हाँ आ गए आ गए आ गए, हाँ इसमें से तीन कलर चूज करो। हो गए, आईज ओपन नहीं करनी। अब जिनी आपकी बारी। क्या ये क्या है मम्मी, को सबसे एंड वाला पड़ी है ना, ये भी ठीक है। जिनी बहुत अच्छे अच्छे चूज कर रहे हैं आप तो। गंदा मम्मी को देना है, मेरे कैसे आए। अब ऐसा तुम्हारी बारी, आप खोल लूं? नहीं तुम्हारी बारी है चूज करने की। क्या करो, चलो ऐसा तुम आंखें खोल के देख सकती हो। अब तीनों आंखें खोल लो। नॉट बैड। अब कौन कौन से कलर किस किस के पास आए बताओ। मेरे पास आए पिंक, ऑरेंज एंड ब्राउन। जी ये होता है लक। लक क्या भाई, आइसक्रीम में कौन सा ब्राउन करोगी? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं करूंगी, तू देख। जिन्हें जो कोन होता है आइसक्रीम का, ब्राउन का ही होता है, वो वाला। पापा ने बोल दिया, मैं लेकिन बोलना नहीं चाह रही थी। मुझे अब ब्लू मैं कर सकती हूँ आइसक्रीम में, ब्लूबेरी पे, और पर्पल एक कोन में आइसक्रीम और आई लव में कर सकती हूँ, और येलो येलो में कोन में कर सकती हूँ। अब जिन्हें आप बताओ आपको कौन से कलर मिले। ये लाइट ग्रीन नहीं, ग्रीन मुझे लग रहा है, ये लाइट ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है, और एक रेड आ गया। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं लिपस्टिक लगाई और बाद में उसके लाइनर लगा दिया। तो चलो कलर स्टार्ट करें क्या? नहीं चलो टाइम स्टार्ट नाउ। जिनी रवा मतलब जिनी दोनों ग्रीन कलर का अच्छे से फायदा उठाते हुए। यस मम्मी, ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम यस खाओगे? नहीं मैं कागज वाली नहीं खाऊंगा, मैं मार्केट से ले आऊंगा। मैं नहीं दूंगी आपको। मोर्चा मारने वाली है, मतलब जल्दी जल्दी स्पीडली। मतलब आइसक्रीम देखकर तो वाले गर्मियों में किसी का भी मन कर जाए। मैं तो इतनी आइसक्रीम खाती थी अपने बचपन में, मैं आपको क्या बताऊं। मत बताओ। मैं और मेरे पापा बहुत सारी आइसक्रीम खाते थे। तेरे पापा भी खाए? ठीक है ना, चलो तभी तो तू बड़ी होकर कहेगी मैं और मेरे पापा ही बहुत सारी आइसक्रीम खाते थे। जिनी शांत बैठी है। जिनी क्या वो सलवा लग गया तो देखे। क्या करूं फ्रेंड्स, अब मैं ग्रेडियंट टेक्सचर डाल रही हूं। ग्रेडियंट टेक्सचर ये मतलब ज्यादा कंप्यूटर वाले लोगों का बुरा हाल है। ग्रेडियंट डाल रहे हैं, अब क्या ही करें। जिनी ग्रेडियंट की स्पेलिंग पता है? GRADIENT। ओह गजब, जल्दी जल्दी करनी है, मम्मा जल्दी जल्दी करनी है और टाइम भी बहुत कम रह रहा है। हाफ टाइम हो चुका है, सिर्फ 2.5 मिनट बच रहे हैं। 2 मिनट 30 सेकेंड। देखो तो आइसक्रीम में कलर करते करते खाने का मन कर रहा होगा। बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्या करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। कलर ठीक करो और आइसक्रीम खाओ। मतलब कॉपी कर रही है जिनी की। मैं कोई कॉपी नहीं कर रही, मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ, बल्कि इसने मेरी कॉपी करी है। जो तुम्हारे पास हो। कितना टाइम है रे? 10, 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। तो आप एक एक करके अपने दिखाओ। पहले मम्मी दिखाओ। पहले एशना जी आप दिखाएं अपना। यस ये रही मेरी ड्राइंग। फ्रेंड्स कमेंट करके बताओ कैसी लगी। ड्राइंग ये कलरिंग है, मम्मी बार बार पता नहीं क्यों ड्राइंग कर रही है। ये कलरिंग है, कलरिंग चैलेंज चल रहा है। सही पकड़े हैं। हाँ तो 3 मार्कर चैलेंज चल रहा है, मुझे पता है हम कलर कर रहे हैं। तो मेरा कलरिंग कैसी लग रही है? मेरी थोड़ी प्लेन है गई है। नहीं पर क्यों नहीं रह गई है? ये ध्वनि बाजू कलर है उसने उसमें से की है। तो आपको वोट करना है ध्वनि और जिनी के बीच। मुझे पर्सनली सबसे क्यूट जिनी की लग रही है क्योंकि डिफरेंट कलर लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन फ्रेंड आपको कमेंट करके बताना है कि सेकंड राउंड में आपको कितनी बेस्ट लग रही है। कलर ना रख दो सब पीछे। ये देखो कलर जिसके हैं अभी वो अपने पास ही रखे, पर इसमें है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? पहले भूकंप खेलो तीनों। भूकंप? हाँ हाँ, जो जीता वो इसमें हारा। अभी देखते हैं इसमें हार गई है। अब एशना और जिनी का ऑप्शन है कि वो अपने कलर स्वैप कर सकते हैं, और कलर के ऐसे स्वैप होंगे या तो एक कलर स्वैप कर सकते हैं या सारे कर सकते हैं, दो की ऑप्शन नहीं है। और इसमें कौन करेगा कलर स्वैप, उसके लिए इनको करना पड़ेगा स्टोन पेपर सीजर अभी सेकंड में। तो शुरू करें? यस। स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर। अच्छा मम्मी को मम्मी के पिंक के बदले। ओहो जिनी मतलब तू बदला ले लिया। पहले तेरे पास दो ग्रीन कलर थे तो मैंने ले लिया पिंक कलर। तूने ले लिया पिंक कलर। तो कोई बात नहीं, अब तुम लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। बिल्कुल बना सकते थे, पहले ऑप्शन ही नहीं थी तब, अब तो ऑप्शन दे दी। कोई बात नहीं सोचो जिनी, मतलब तेरे को स्वैप करके कैसा मजा आया? मेरे को ऐसा लगा मतलब भगवान ने भी लाइफ लाइन दे दी। जन्नत मिल गई। जन्नत मिल गई। और धोनी तेरे को कैसा लगा? मतलब भूकंप से जीत के भी हार गई। बहुत अजीब लगा। मेरे पास ब्राउन एक चीज के लिए बहुत अच्छा है। पर धोनी आप अपने कलर से खुश हो या नहीं हो? हूँ, लेकिन ब्राउन थोड़ा सा है वही कलर है। वही कलर है नहीं, ब्राउन इंपॉर्टेंट है सबसे ध्वनि। लेकिन बेटा सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पेड़ पौधे की ब्रांच ब्राउन है। बहुत सही, ये भी ठीक है। इसमें तुम्हें कैसे लगा हार के? ठीक है, इट्स ओके। हार जीत तो लगी रहती है लाइफ में। अब क्या ही कर सकती है। हार जीत तो लगी रहती है, पर हार नहीं लगी थी ना। वही तो मेरे साथ हो गया लास्ट दो राउंड। तो हार नहीं लगी, मैं जीती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे को अच्छे कलर्स भी मिले, ये भी इनसे फर्स्ट राउंड में सबसे अच्छा। देखो तुम्हारे पास बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में तो तुम जो मर्जी कलर से उसे बहुत बढ़िया बना सकते हो। मैं ब्राउन देखो मेरा, मैं ब्राउन को किस चीज से यूज करता हूं सबसे बेस्ट। नाइन 8 7 6 5 4 3 2 1 0। हो गया सबका कंप्लीट? नहीं हुआ? ध्वनि ने पहले सोच रहा है, तू ही दिखा तेरा कैसा बना है। वाओ ध्वनि आप कुछ व्यूअर्स से कहना चाहेंगे? मेरा अच्छा बना है, ब्राउन का सबसे अच्छा फायदा उठाया मैंने। वो पहले तो कहती तेरा ब्राउन ऐसा ही है। रेड अब अच्छा है, बहुत सुंदर कलर फिल भी किया है, बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे पास जैसे कलर आए मैंने वैसे बनाया, नॉट बैड, इतना अच्छा बनाया। मम्मी ने बटरफ्लाई मतलब मक्खन वाली मक्खी बना दी है, मक्खन मक्खी। और अब दिखाओ जिनी का। ये है मेरा बटरफ्लाई। देखो बेस्ट तो मुझे ना वैसे जो लगा ना जिनी का वो कोई भी नहीं लगा। बाकी जो कमेंट करेंगे वो व्यूअर्स करेंगे। तो अपने अपने वोट के लिए मांगो व्यूअर्स से।